नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube क्रिएटर हैं, YouTube पर काम करते हैं, तो आपको एक एक चीजों का सोल्यूशन जानना जरूरी है। अगर आप उसका सोल्यूशन नहीं जानते हैं तो बाय द वे आपका चैनल किसी के द्वारा हैक किया जा सकता है, आपका चैनल अचानक से टर्मिनेट किया जा सकता है, और कभी कभी तो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट को ही जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। तमाम ऐसी समस्याएं आपको आती है, और अगर ऐसी समस्याएं आपको आती है तो उसका सलूशन जानना जरूरी है, और जो सलूशन आपको नहीं पता होता है वही सलूशन तो मैं आपको बताता हूं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका चैनल बाई चांस अगर कोई जो है कोई हैक कर लेता है, या फिर सस्पेंड हो जाता है, या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद आप YouTube की टीम से कम्युनिकेट कर सके ताकि आपकी जो समस्या है उसका समाधान निकल सके। उसमें से कई सारी चीजें हैं, तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन और डैशबोर्ड पर लेकर दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं कि अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव रहिए। ट्विटर को आप प्रमोशन कीजिए, अपने चैनल के माध्यम से अपने ट्विटर का प्रमोशन कीजिए, क्योंकि अगर जब आपका चैनल इन फ्यूचर कभी टर्मिनेट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, तो यूट्यूब को बताने के लिए आपको ट्विटर का सहारा लेना पड़ता है। लोग सपोर्ट करते हैं, ट्विटर के पास ट्वीट पहुंचता है तो वो उस पर काम करने की कोशिश करता है, तो इसको साथ साथ प्रमोट करें। लेकिन अगर आपका चैनल कोई हैक कर लेता है तो उसको रिट्रैक्ट करने के लिए, उस हैकिंग को वापस लेने के लिए आपको कौन कौन सी चीज आपके यूट्यूब की जरूरत पड़ती है, वो चीजें मैं चलकर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो जान लेते हैं कि आखिरकार अगर आपका YouTube चैनल कोई हैक कर लेता है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं अपना चैनल सर्च करता हूँ, मान लीजिए मैं टेक्निकल दुनिया सर्च करता हूँ, ठीक है, टेक्निकल दुनिया इसको सर्च करता हूँ, तो सर्च करने के बाद देखिए मेरा जो है सेकेंड नंबर पर आता है, तो इसको मैं ये करता हूँ, क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए जो आपको यहाँ पे देख रहा है टेक्निकल दुनिया पिंटू, ये आपका कस्टम URL है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कभी कभी डिमांड नहीं करता है। एक्चुअल जो URL होता है कुछ और होता है, कस्टम URL जो होता है वो कुछ और होता है। तो ये आपका कस्टम URL, लेकिन हमें क्या करना है कि एक्चुअल URL जो है वो। चलिए दोस्तों, तो जान लेते हैं कि आखिरकार अगर आपका YouTube चैनल कोई हैक कर लेता है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं अपना चैनल सर्च करता हूँ, मान लीजिए मैं टेक्निकल दुनिया सर्च करता हूँ, ठीक है, टेक्निकल दुनिया इसको सर्च करता हूँ, तो सर्च करने के बाद देखिए मेरा जो है सेकेंड नंबर पर आता है, तो इसको मैं ये करता हूँ, क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए जो आपको यहाँ पे देख रहा है टेक्निकल दुनिया पिंटू, ये आपका कस्टम URL है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कभी कभी डिमांड नहीं करता है। एक्चुअल जो URL होता है कुछ और होता है, कस्टम URL जो होता है वो कुछ और होता है। तो ये आपका कस्टम URL, लेकिन हमें क्या करना है कि एक्चुअल URL जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों पे जाते हैं, लोगों पे जाने के बाद यहाँ पे योर चैनल का ऑप्शन आता है, तो योर चैनल का ऑप्शन आता है। जैसे ही एक चैनल पे आपका यू चैनल पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है अलग इंटरफेस आ गया है ना, है अलग इंटरफेस ना, तो आपका ये जो है ये चैनल URL है, ठीक है। ये क्या है, चैनल URL है। तो मैं यहाँ पे पेंट खोल लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट पैड खोल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो नोट पैड, तो यहाँ पे देखो एक्चुअल जो URL होता है जो यूट्यूब प्रोवाइड करता है, अगर आपका चैनल कभी बाई चांस मान लीजिए किसी ने हैंग कर लिया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये जो है मांगता है। तो एक्चुअल URL जो होता है वो आपका ये वाला होता है, जैसे कि आप यहाँ पे माई योर चैनल पे जाकर क्लिक करते हैं तो ये जो होता है वो एक्चुअल चैनल, एक्चुअल जो है आपका URL होता है, ठीक है। अब जो है आपको एक और चीज़ मांगता है, और वो होता है आपका चैनल ID। तो जो यहाँ पे UCH लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो होता है वो आपका चैनल ID होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, चैनल ID होता है। तो यहाँ पर हम लोग चैनल ID डाल देते हैं, ठीक है, चैनल ID, ओके, चैनल ID हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आपका चैनल URL हो गया, और ये उसी से लेके जो चीज़ें स्टार्ट हो रही है वो आपका चैनल
आईडी हो गया, ठीक है, अब पूरा का पूरा चैनल URL हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ जाननी होती है आपका अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में जब आप जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार आपने चैनल कब शुरुआत किया था, ये डेट जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है ये आपको डिमांड करते हैं। इसके अलावा जब आपका चैनल हैक होता है या फिर गूगल एडसेंस में प्रॉब्लम हो जाती है तो यूट्यूब टीम से जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको एक चीज़ मांगता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ मैं आपको यहाँ से मैनेज वीडियोस पे जाना है। इसके अलावा मैनेज वीडियो पे जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे मोनेटाइजेशन। तो दोस्तों देखा आपने, ये जो चीज़ें मैंने आपको तीन चार चीज़ें बताई, वो चीज़ें आपके पास रहना ज़रूरी है। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं है तो फिर आपका चैनल कम बैक नहीं हो पाएगा अगर कोई हैक कर लेता है तो। YouTube आम बात है हैक करना आजकल तो, लेकिन इसका भी मैंने सोल्यूशन बताया है कि आप किस किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी मुझे लगा कि आप सभी के बीच साझा करनी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी आपके पास रहेगी तो आप भी अपने चैनल को लेकर काफी ज्यादा सिक्योर फील करेंगे। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे